भारतीय टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है, जहां वो अभी 4 दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेल रही है, जिसके बाद टीम इंडिया को एक टेस्ट मैच खेलना है। ये प्रैक्टिस मैच भारत और लिस्टरशायर के बीच खेला जा रहा है। लिस्टरशायर ने 4 भारतीय खिलाड़ियों को अपनी टीम में जगह दी है, जिनमें चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हैं। चल रहे प्रैक्टिस मैच में पुजारा से भारत को खासी उम्मीद थी, मगर वो खुद को साबित नहीं कर पाए। मोहम्मद शमी ने उन्हें बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। उसके बाद ऋषभ पंत ने बैटिंग करने के लिए क्रीज में आए और उन्होंने अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी शुरू करते हुए सभी बॉलरों की जमकर खबर ली। पंत ने 87 गेंदों का सामना करते हुए ताबड़तोड़ पारी खेली। पंत ने अपनी तूफानी पारी में 14 चौके और 1 छक्का भी जड़ा। भले ही वो भारत के विरुद्ध खेल रहे थे, फिर भी उनकी इस पारी से भारतीय खेमे में खुशी का माहौल बना हुआ है। इस खुशी की वजह पंत की फॉर्म का वापस आना है, क्योंकि ऋषभ पंत ना तो आईपीएल में कुछ खास प्रदर्शन कर पाए और ना ही हाल में समाप्त हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में। अब ऐसे में पंत की फॉर्म का वापस आना भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस पारी के बाद एक और रोमांचक पल उस समय आया जब पंत को जडेजा ने अय्यर के हाथों कैच कराया। आउट होने के बाद ऋषभ पंत जडेजा के साथ अपने ही आउट होने का जश्न मनाने लगे। उनके इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पंत अपने इस फॉर्म को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट में बरकरार रख पाते हैं या नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स चीटी को सब्सक्राइब करें।